झारखंड और जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को लगे झटके के बाद महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव नहीं लड़ने की उनकी प्लानिंग है। अपने सहयोगी पार्टियों के लिए वो प्रचार करेंगे, ऐसा सूत्र कह रहे हैं। सूत्र कहते हैं कि केजरीवाल विशेष तौर पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी के लिए प्रचार करते दिखाई दे सकते हैं। चर्चाएं तेज हैं, सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस से केजरीवाल वहां भी दूरी बना रहे हैं। कांग्रेस से नाराजगी है क्या केजरीवाल की? बड़ी बात इसलिए भी है कि केजरीवाल अगर कांग्रेस के लिए प्रचार नहीं कर रहे हैं और शरद पवार और उद्धव ठाकरे के लिए प्रचार में हैं, तो निश्चित तौर पर यह सवाल लाजमी है कि क्या कांग्रेस से उनकी कोई नाराजगी है। दरअसल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल झारखंड और महाराष्ट्र की राजनीति में तेजी से एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्र कह रहे हैं कि केजरीवाल महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, खासतौर से तब जब वो शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की और एनसीपी यानी शरद पवार की पार्टी के लिए प्रचार की तैयारी कर रहे हैं। सूत्र ये भी कहते हैं कि शिवसेना और एनसीपी ने महाराष्ट्र में प्रचार के लिए आम आदमी पार्टी से बातचीत भी की है। ये एक तरीके की कोशिश इंडी गठबंधन को एक साथ प्रोजेक्ट करने की भी हो सकती है। हालांकि लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि अगर इंडी गठबंधन को ही प्रमोट करना है केजरीवाल को, तो फिर कांग्रेस से दूरी क्यों? केजरीवाल उन विधानसभा सीटों पर प्रचार कर सकते हैं जहां आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर बेस ज्यादा बड़ा है। एमवीए उम्मीदवारों का बैकग्राउंड विवादित नहीं है। केजरीवाल के अलावा पार्टी के अन्य सीनियर नेता भी दोनों पार्टियों के प्रचार करने के लिए दिखाई दे सकते हैं, ऐसी चर्चा है। हालांकि ये साफ नहीं है कि वो महाराष्ट्र में कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे या नहीं। ये बात हम शुरू से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो खबर है, कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे की और शरद पवार की एनसीपी के लिए ही केजरीवाल एक्टिव होते नजर आएंगे, कांग्रेस का जिक्र कहीं नहीं है। महाराष्ट्र के अलावा अरविंद केजरीवाल के झारखंड जाने की भी खबरें हैं। यहां पर वो झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते नजर आएंगे। आपको बता दें जेएमएम इंडी ब्लॉक की सहयोगी पार्टी है। अरविंद केजरीवाल ने 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए प्रचार किया था। जमशेदपुर में कल्पना सोरेन के साथ एक जॉइंट रैली में वो दिखाई पड़े थे। झारखंड के मतदाताओं से अपने आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का बदला लेने जैसे शब्द के साथ अपील की थी। यहां पर एक बात और भी, आम आदमी पार्टी और इंडी ब्लॉक के सहयोगियों में एनसीपी और एसपी, शिवसेना और जेएमएम के बीच दोस्ती दिल्ली सेवा संशोधन विधेयक के लिए बनी थी। जेएमएम के संरक्षक शिबू सोरेन प्रस्तावित संशोधनों के खिलाफ अपना वोट देने के लिए लोकसभा आए थे, जिसका उद्देश्य दिल्ली की निर्वाचित सरकार की शक्ति को कम करना था। अब सवाल यह है कि झारखंड में भी क्या कांग्रेस के साथ केजरीवाल और उनकी पार्टी दूरी बनाती नजर आएगी? देखिए, लगातार महाराष्ट्र और झारखंड की बात हो रही है, इसलिए हम आपको ये भी कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन के तमाम सहयोगी दल एक साथ तो नजर आते हैं, लेकिन केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की कांग्रेस से दूरी वहां भी दिखाई पड़ती है। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सहमति नहीं होने के कारण दोनों ही पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं, जिसका खामियाजा दोनों ही पार्टियों को भुगतना पड़ा है और सीधा फायदा बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी से पूरी तरह से दूरी बना ली है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जहां 37 सीटों पर मिली जीत से संतोष करना पड़ा, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के जमानत तक जब्त हो गई। आम आदमी पार्टी को हरियाणा में एक भी सीट नहीं मिली। दिल्ली में भी दोनों दलों ने अलग अलग चुनाव लड़ने की बात पहले ही साफ कर दी है। दिल्ली में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं, आप सब जानते हैं। अब अगर महाराष्ट्र और झारखंड में दोनों ही जगह आम आदमी पार्टी सिर्फ दूसरे घटक दलों के लिए प्रचार करेगी, खासतौर से अगर महाराष्ट्र की बात करें तो शिवसेना उद्धव ठाकरे की और एनसीपी शरद पवार के लिए प्रचार करेगी, तो इनडायरेक्टली महाविकास अघाड़ी को फायदा तो जरूर होगा, लेकिन एक बड़ा मैसेज जरूर जाएगा ये कि इंडी गठबंधन के घटक दलों में, खासतौर से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में, बनती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर एक चरण में वोटिंग है, दो चरणों में झारखंड का चुनाव है, 13 नवंबर और 20 नवंबर। दोनों राज्यों में वोटों की गिनती 23 नवंबर को होनी है। महाविकास अघाड़ी में बुधवार की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार के बीच 85-85-85,
85 सीटों के फॉर्मूले को तय किया गया है। जितनी सीटें बची हैं उसमें जो है अभी भी सस्पेंस भी है और कहा यह भी जा रहा है कि वो अपने सहयोगियों को भी दे सकती हैं। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग के विवाद के बीच शिवसेना उद्धव गुट ने 65 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 99 कैंडिडेट्स की सूची उतारी है। 99 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची में पार्टी ने 75 विधायकों को फिर से मौका दिया है, यानी सिटिंग जो MLAs थे उन पर ही भरोसा जताया गया है। अजीत पवार की NCP ने भी 38 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। फिलहाल जो तस्वीर इस वक्त दिखाई पड़ रही है ऐसा कि इंडी गठबंधन के तमाम जो सहयोगी दल हैं उनके साथ तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दिखाई पड़ती है, लेकिन कांग्रेस से उसकी दूरी साफ साफ नजर आने लगी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।